तो जी यहाँ पे बन रहे हैं गोभी और आलू का। ये नीचे भी कितने पड़े हुए हैं देखिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर वाफ़ियत से रखे। आज जी मॉर्निंग वॉक, अनाया का स्कूल छोड़ा है और अभी मैं वॉक करने आई हुई हूँ। और इतना मज़ा आता है ना कसम से, वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। मैं इतना सुकून मिलते हैं ठंडी ठंडी हवाएं और वॉक करके। मैं उस जिस दिन मैं वॉक करती हूँ वो दिन जो है ना सारा इतना लकी रहते हैं, क्योंकि उस दिन मैं सारे घर के काम इतनी जल्दी जल्दी करती हूँ आप सोच भी नहीं सकते, बहुत मज़ा आता है। ये देखें बाहर अभी तो कोई भी इतना ज़्यादा कोई फूल या कुछ नहीं है, क्योंकि आपको तो सर्दियों में बारिश, सर्दियों का मौसम है ना, वो तो वो पड़ती है, ओस कोहरा पड़ता है, इस वजह से यार। लेकिन ये है येलो वाले फूल लगी हुई हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं येलो वाले फूल, सरसों की तरह बहुत प्यारे लग रहे हैं ये देखें। और अब मैं वॉक करने लगी हूँ, फिर मैं जी बहुत सांस फूल रही है और बस चलती हूँ। वॉक से वापस अब जूते उतारती हूँ, बस अंदर चलती हूँ, फिर नीम गर्म पानी पीते हैं और बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, काम वाली का वेट करती हूँ क्योंकि नींद तो मुझे आनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, तो ये आ गया जी मेरा गर्म पानी। और जब भी आप वॉक करके एक्सरसाइज करके आप आए ना, तो कभी भी ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिया करें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट फास्ट हुआ होता है, तो वो हम लोग अगर ठंडा पानी पिए वहाँ भी प्रोसेस रुक जाता है, तो गर्म पीना चाहिए तो उससे बेहतर रहता है। अब मैं पीने लगी हूँ, ये मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया है पानी, अब मैं पीती हूँ एक गिलास, फिर मैं एक गिलास और गर्म करके पीऊँगी, दो तीन गिलास मैं पीती हूँ। मैंने एक सुबह पी चुकी हूँ, मैं सुबह उठी हूँ, मैंने पहले एक गिलास पानी का पिया, वो अभी ये से नीम गर्म पानी, और अभी एक पी रही हूँ, एक और पीऊँगी। तो दुआ करें पतले हो जाए हम भी, पतले खैर हो के ना हो, लेकिन जो है ना तबीयत बंदे की बेहतर रहे और एक्टिव रहे। तो जी यहाँ पे बन रहा है गोभी और आलू का सालन। सुबह वॉक करके आके पानी गर्म पी के सो गई थी मैं, अभी उठी हूँ और अभी उठ के नाश्ता भी नहीं बनाया। अब मैं कह रही हूँ कि मैं पहले खाना साथ साथ बना रख लूँ, हाँ तो और साथ साथ फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है ये गोभी आलू का सालन, टमाटर काट दिए, प्याज और ऑयल डाल दिए, अदरक लहसुन ये है, बस ये मसाला भूनती हूँ, आलू डालती हूँ, गोभी डालती हूँ, फिर साथ ही नाश्ता बनाती हूँ। चलो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अब मैं इसी के अंदर टमाटरों के अंदर मैं सब मसाले डालती हूँ, थोड़ी सी कुटी मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ये सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये मिक्स मसाला, ये मिक्स मसाला ये डाल देती हूँ। अब ये डाल के भूनती हूँ और उसके बाद बस गोभी डाल देती हूँ। यार गोभी तो पकाने सारों की आती होगी, मैं इसलिए कोई इसकी लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं देती। हाँ थोड़ा सा अगर कलौंजी डाल दो और हल्का सा सिरका, फिर जो है ना गोभी बहुत मज़े की टेस्टी हो जाती है। मुझे याद आ जाए तो मैं डाल देती हूँ, ना हुआ तो नहीं डालती, पर आज मेरे घर में नहीं है, कल संडे बाज़ार था, मुझे याद ही नहीं आया। मैं लेके आनी थी दो तीन चीज़ें, एक ये लेके आनी थी कलौंजी भी लेके आनी थी और वाइट तिल जो होती है वो लेके आने थे, लेकिन मुझे नहीं याद रहा। चलो छोड़ो, फिर क्या कर सकते हैं, मज़े करें।
और यहाँ पे मैं अपने लिए ले आई हूँ एक अंडा, एक मिर्च और ये थोड़ा सा हरा धनिया। एक छोटी सी ऑमलेट बनाऊंगी और फिर मैं साथ ब्रेड और इधर चाय रख दिए और बस फिर नाश्ता करती हूँ साथ। तो काम वाली का कोई पता नहीं है, मेरी का बहुत तंग करके रखा हुआ है, इसने सोचे भी मत। मुझे कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊँगी भाजी, आपका जो है ना फालतू काम कर दूँगी, लेकिन कोई पता नहीं। मैं खुद इतनी परेशान हो रही हूँ कि अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं ना निकाल ही दूँ, बेहतर है। जो बंदा अपने काम को ज़िम्मेदारी से ना कर सके ना, वो बंदा कभी भी काम नहीं कर सकता सही, और ये ज़िम्मेदारी के साथ काम नहीं कर सकती, मैंने देखा है इसको। इसलिए इसको आउट करना चाहिए, कोई और देखती हूँ यार। रोज़ रोज़ काम वर्जन भी चेंज करने में ना मुझे होता है कि यार रोज़ रोज़ घरों घरों में इनको घुसाओ, फिर इनको निकालो, तो फिर नहीं नहीं सारी अच्छी तो नहीं होती ना। फिर आज हमारी जनरल सफाइयाँ हो रही हैं, सारा घर ऊपर नीचे हुआ हुआ है, शुक्र है ये टाइम पे आ गई है। तो बस अभी सफाइयाँ लगी हुई हैं, सारे पड़ते वगैरह झाड़े हैं, सब सोफे आगे करके तो सफाइयाँ बस की हैं। अभी मैं सारी सेटिंग करती हूँ, सारा ये डस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे साफ। अभी इधर लगी हुई है ये सीढ़ी रखी हुई है, तो बस पंखे लाइटें साफ होंगी, छत साफ होंगे, लगे हैं या आज काफ़ी मेहनत का काम लगा हुआ है, शुक्र है ये आ था गई है मेरी लगी हुई है। चले अभी मैं ना ज़रा इसके साथ सारे कुछ काम करा दूं, क्योंकि अकेले कैसे इतना ज़्यादा करेगी। सारी सफाइयाँ करवा ली हैं, ये देखें अब मैंने ये यहाँ से क्लीन उठा दिए, वो बाहर बिछाया हुआ है, हम लोगों ने बाहर पोर्च में धोने के लिए रखा है। नाया माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ रही है, कोई बात नहीं, जिस तरह भी बैठी हुई है पढ़ तो रही हो ना, तो मैं दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने जब काम सारे करवाए, इतने सर में मेरी पैन हो रही थी, इतना दर्द जिसकी हाथ में, ये देखें ये भिगो दी हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इधर बिछाया इसको पहले, फिर उसके अंदर ना एक बाल्टी के अंदर पानी डाला और सर्फ़ डाला और उसमें ब्लीच डाली, और ये जो ड्राई थी ना उसके ऊपर ही डाला, तो पानी बीच में जज्ब कर गया, तो जो है ब्लीच वाला पानी है ज़ाहरी बात है वो फिर ब्लीच तो साफ़ करेगी, और कल तक ये भीगा रहेगा और इंशाल्लाह फिर कल ये धोएंगे ये, और बहुत साफ़ हो जाएगी। मैंने कहा सर्दियाँ गुजारनी है तो फिर इसलिए ज़रा वॉश कर दे, सारे काम कराऊंगी कल, ये पंखा ये भी साफ़ कराऊंगी। तो अभी मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैं लेट गई, लेकिन कहाँ लेटना नसीब मेरा, मुझे भूख लग गई, मैंने कहा अब क्या खाऊं, मैंने तो गोभी बनाई थी, आलू गोभी बनाई है, तो आलू गोभी बना तो ली है, खाने को दिल नहीं कर रहा अब मेरा, और मैंने अपने लिए बस ये एक छोटा सा पराठा बनाया और साथ दही, अब मैं खाने लगी हूँ खाना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, उससे वजह से मेरे ना मुझे मेरा अजीब से दिल ख़राब हो रहा है, तो अब मैं खाना खाती हूँ। अनाया ने पहले खा लिया था सुबह, तो मैंने ऑमलेट खा लिया। हाँ सर में दर्द का मैं आपको बताऊँ मेरे साथ हुआ क्या, मैंने ऑमलेट खा लिया, ऑमलेट से मेरा बीपी हाई हो गया और मेरी तबीयत ख़राब होगी, काम करवा रही थी साथ मेरी तबीयत ख़राब होगी। चलें जी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।